हरियाणा प्रदेश में 22 जिलों में अंत्योदय सरल केंद्रों का उद्घाटन किया गया। सोनीपत में कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने अंत्योदय भवन का उद्घाटन किया। कविता जैन ने कहा कि इन सरल केंद्रों से जनता को बहुत फायदा होगा। वहीं बीजेपी के 4 विधायकों के बगावती सुर पर भी मंत्री ने कहा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने 22 जिलों की 90 विधानसभाओं पर समान विकास करवाया है। वहीं मंत्री ने विधायकों और मुख्यमंत्री के बीच पूरे मामले को मिसअंडरस्टैंडिंग बताया। वहीं मंत्री ने परिवार का वाक्य बताया और कहा कि सभी विधायक उनके परिवार के सदस्य हैं और बैठकर जल्द ही इस मसले का समाधान कर लिया जाएगा। पर्सनल सोच के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन आज हरियाणा का जन जन और हरियाणा के सभी हमारे 22 के 22 जो जिले हैं, आज आप देखेंगे कि 90 के 90 विधानसभा हलकों के अंदर समान रूप से जो विकास है, चाहे हमारा विधायक है या नहीं है, आज हमने वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। आज इस तरह से जो सरल केंद्रों का, जो अंत्योदय भवनों का उद्घाटन हुआ है, बिना किसी भेदभाव के अंदर हमारे सभी गाँव तक ये पहुँचाया गया है। और आज जिस तरह से हमारे जो 5 निगमों के चुनाव के अंदर जो रिजल्ट आया है, आप देखेंगे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और मैं समझती हूँ कि कोई मनमुटाव वाली ऐसी बात नहीं है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मैं समझती हूँ विमला जी को कहीं ना कहीं, जो भी हमारे विधायक रहे हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी। सो और ये हमारा परिवार का मामला, इसमें हम बैठ के सुलझा लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात।